बताइए ना अरमान साहब. हाँ अरमान सर, बताइए किसका बर्थडे है. बता दो ना, ये बर्थडे है किसका. राज का. वो क्या है ना अंकल आंटी की, मेरे दोस्त को बर्थडे बनाने का शौक तो है नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही कुछ कर लूं अपने दोस्त के लिए. बहुत अच्छा. हैप्पी बर्थडे राज. कितने ऊंचे विचार है ना. बर्थडे किसी का भी हो, ख्याल नेक होना चाहिए. चाचा आपने मुझे बताया कि नहीं, अगर आप मुझे पहले बता देते तो मैं आपके लिए अच्छा सा तोहफा लेके आती. अरे इतना अच्छा गिफ्ट इसने मुझे दिया है, इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, और गिफ्ट की जरूरत नहीं मुझे. और माचा ऑफिस चले, बहुत काम है वहाँ पे भी. ऑफिस देखा मिस्टर सूरी, मेरी बेटी आपकी कितनी चिंता करती है, मतलब आपके गुलमोहर की कितनी चिंता करती है. जी जी, तो मैं विदा लूँ आप सबसे. हम लोग विदा रहते हैं आपसे. ओके बाय बाय, थैंक यू फॉर कमिंग टू माय बर्थडे. वैसे अरमान यार, तूने इतना अच्छा बर्थडे प्रेजेंट वहां पे दिया, लेकिन मेरा बर्थडे प्रेजेंट किधर है? आफ्टर बर्थडे तो मेरा है ना. वैसे बाकी में यार, आज तूने मुझे मेरे जन्मदिन का मकसद याद दिला दिया यार. यू टू गुड मैन, यू टू गुड राज. ओके टू गुड. सॉरी राज, अब ये सब भूल कर अपना काम पे ध्यान दे. ऑफ कोर्स, अगर तू सब कुछ भूल कर मेरा बर्थडे याद रख सकता है तो फिर मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ. यू टू गुड राज. ओके अरमान सर, मैं प्रॉपर्टी डील के चेक्स तैयार करके लाती हूँ. राज सर, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन. थैंक यू. काम ठीक है. ठीक है फ्रेंड, फ्रेंडशिप के मायने यूं ही प्रूव नहीं किए जाते, इतना सब करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है. बस बहुत सिंपल और छोटी बातों में आप बहुत कुछ कह सकते हैं, जैसे आज अरमान सर ने करके दिखाया. अरमान सर भी ना, जब भी देखो तो चौंका ही देते हैं. दोस्ती क्या होती है, कोई उनसे सीखे. हाय बेबे, मजा आ गया. अरे बड़ा ही अच्छा लगा, देख इतने नए ढंग से मनाया ना इन लोगों ने. अंकल जी आप लोग आ गए. कहाँ चले हो तू, सवेरे देर से उठने लगा है क्या? आंटी जी जैसी कहाँ है? अरे वो तो आश्रम से ही ऑफिस चली गई थी. आश्रम से क्यों? अंकल जी को वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं. तेरे लिए बुकिंग कराने गया था मैं, आ रही होगी उनकी गड्डी तुझे ले जाने को. अरे तेरा इंतजार करके गए हम, तू आया ही नहीं. तू चलता तो देखता. वृद्धाश्रम गए थे हम, वो जस्सी के अरमान सर है ना, उन्होंने बुलाया था हमें. सच मुझे बहुत ही अच्छा लगा. सचमुच बेबे, ऐसा जन्मदिन तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है. बाबा जी अरमान सर को बहुत लंबी उम्र दे, है ना. ओ तो क्या अरमान सर रिटायर होके वृद्धाश्रम चले गए क्या? तू अपनी अकल लगाना बंद कर दे, समझा. अरे वो उनके दोस्त है ना राज, उनका जन्मदिन था, उसकी खुशी मनाने के लिए सब लोग गए थे वृद्धाश्रम, उन्होंने दान भी दिया. इस नए ढंग से खुशी मनाकर मुझे तो बहुत सुकून मिला. बेबे मैं इस तरह के लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ, पक्का बिजनेसमैन है, कोई भी काम बगैर फायदे के लिए नहीं करेगा, खुशी खुशी के लिए नहीं करेगा. तू इधर आ, मांग खाने की आदत पा ली है क्या? जी नहीं अंकल जी, मैंने नौकरी पा ली है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन गया हूँ मैं. बहुत बड़ी कंपनी है, करोड़ों का बिजनेस एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं हम. मतलब IFH. मैंने IFH ज्वाइन कर लिए, हंस मुखी की कंपनी. मतलब पूरब मेहरा.
थैंक्स जसी। सर मैंने कोहिनूर के सारे कैश प्रॉफिट्स गुलमोर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। लेकिन ये तो सिर्फ इनिशियल पेमेंट है, पहली कैश था स्टोर के लिए, इसके बाद क्या? सर इसे हमें लोन मिलने में बहुत आसानी हो जाएगी, हमारा काफी मजबूत केस हो जाएगा सर, और मैंने बैंक वालों से ऑलरेडी बात कर ली है। ऑफ कोर्स, इनफैक्ट मुझे पूरा यकीन है कि जैसे ही हमें ये लोन दिलवा दी। मैं बाकी के पेपर्स लेके आती हूँ, एक मिनट। अरमान, जिन पैसों से तू ये चेक लिख रहा है ना, ये मुनाफा नंदू ने कमाया है और नंदू दुश्मन से जा मिला है। नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जैसी को संभल कर हैंडल करना बस। सर, ये फाइनल कॉन्ट्रैक्ट है सर, यहां पे साइन कर दीजिए। ये नेक्स्ट पेज सर। तुम अरमान, सवेरे से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूं। लापरवाही की भी कोई हद होती है? लापरवाही की नहीं मालिका, एक्साइटमेंट की। जैसी, मालिका तेरा कॉन्ट्रैक्ट अपने नए स्टोर का, और ये रहा चेक, इस चेक को देखकर तुम पेपर साइन करवा लो और लग जाओ गुलमोहर के नए स्टोर को सजाने में। अपना चेक, अपना स्टोर और स्टोर को सजाने के सपने अपने पास ही रखो। तुमने आधा दिन नहीं गवाया, हाथ में आया हुआ कॉन्ट्रैक्ट गवा दिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि हमसे पहले वो प्रॉपर्टी किसी और ने खरीद ली, वो प्रॉपर्टी बिक चुकी है अरमान। बेबे, नौकरी तो मुझे हंसमुखी ने ऑफर किया ना, और फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जॉब है, और वैसे भी कोहिनूर का काम तो मैं करता ही रहूंगा, बस अपने समय का सदुपयोग कर रहा हूं बस। ओए सदुपयोग के बच्चे, तेरे को पता है ना कि आईएफएच को पूरा मेरा ने खरीद लिया है, और तू उस विश्रम के काम करेगा? हंसमुखी ने पूरब के साथ? हाँ बेबे, इसमें चौंकने वाली क्या बात है, मुझे तो बहुत पहले से पता था। अंकल जी आप नाराज मत होना, मैं मानता हूँ पूरब मेहरा ने गलती की है, पर हमें कहानी के सारे पहलू सुने बगैर किसी नतीजे तक नहीं पहुंचना चाहिए। क्या मतलब? देखिए अंकल जी, जैसी की कहानी तो मैं जानता हूँ, उसी तरह पूरब की भी तो कोई कहानी होगी, हमें क्या पता। और मैं नौकरी तो कर रहा हूँ बस, और यहाँ की वहां बात करने की तो मुझे आदत है नहीं, प्रोफेशनल ऑफर है, अच्छा है मैंने ले लिया उस धोखेबाज के साथ। देख बिल्लू, ये धोखेबाजी की बात क्या है क्या नहीं कोई नहीं जानता, ठीक है? नंदू को नौकरी मिल गई है, उसने ले ली है। जैसी जानती है ये बात? तुझे बताया उसे? जा करके बता कि तू किसके साथ नौकरी कर रहा है। वही बताने की तो कोशिश कर रहा हूं, पर वो मेरी बात सुनती ही नहीं है। कोशिश कर रहा हूं कि एक बार वो मेरा नजरिया समझ ले। पर उसको अपने अरमान सूरी से फुर्सत मिले तब ना। मलिका, तुमने प्रॉपर्टी फाइनल कर ली थी तो फिर कोई और कैसे खरीद सकता है? पैसे देकर डील पैसों से फाइनलाइज की जाती है अरमान, जो तुमने देने में बहुत देर कर दी। लेकिन मालिका मैम, पेमेंट की डेट आज थी और हमने आज की तारीख दी थी। अच्छा, तो फिर आज थे कहां तुम? शायद कहीं किसी और को चैरिटी दे रहे थे। मालिका, चेक तैयार है, मगर किसी और का चेक आपसे पहले पहुंच गया, और जैसे कि आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं प्रॉपर्टी मार्केट में बस जरा सी देर हुई और डील आपके हाथ से फिसल गई। एंड सो हमारे फाइनेंशियल हेड की वजह से
हमारे हाथ से एक ऐसी प्रॉपर्टी निकल गई जो शायद दोबारा मिलना मुश्किल हो। अगर तुमने पहले ही पैसे अरेंज कर लिए होते तो हमें लास्ट मिनट तक रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है? जी हाँ जस्सी। आपको लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है? जी हाँ जस्सी, तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हारे पास सारे काम करने का वक्त है सिवाय फाइनेंस के। अगर अरमान बिजी था तो क्या हुआ? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम ले सकती थी। इनफ मालिका, जस्सी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत तो शायद तुम्हें है खुद को और अपने एम्प्लॉइज को संभालने की, क्योंकि तुम्हें खुद अपनी प्रायोरिटीज की पहचान नहीं रही। अगर होती तो ये स्टोर की डील इतनी आसानी से हाथ से फिसल नहीं जाती। क्योंकि गुलमोहर को तो जैसे यहाँ के एम्प्लॉइज चला रहे हैं, डील्स करते हैं और फिर तोड़ देते हैं। यहाँ पर कौन क्या और क्यों कर रहा है कुछ पता नहीं। मैम, मैं जानती हूँ कि आप अपसेट हैं, लेकिन अगर आप सिचुएशन को जानती ना तो यूं ही किसी पे भी इल्जाम नहीं लगाती। सर, मैं HR डिपार्टमेंट में हूँ, अगर कोई काम होगा तो मुझे वहां बुला लेना। अब क्या काम दे तुम्हें? जो काम दिया था उसे तो तमाम कर दिया। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, जितना जल्दी हो सकता था मैंने पेमेंट का चेक बनाया। मालिका मैम क्या जानती हैं, लेकिन ये हुआ कैसे? कौन गुलमोहर की डील तोड़ सकता है और कौन है जिसे वही प्रॉपर्टी चाहिए जिस दिन हमारी डील होने वाली थी उसी दिन वो उसे खरीद लेता है? It's okay, sir. कागज का काम तो खत्म हुआ, अब कपड़े का काम शुरू किया जाए। जरूर, इसी पे तो मैंने इन्वेस्टमेंट की है, और जब मैंने कदम रख ही लिया तो मैं चाहूंगा कि मेरा कदम मेरी पहचान से ज्यादा दूर ना हो। और आपकी पहचान क्या है? सरप्राइज एंड स्टाइल। लो, फिर तो हो गई छुट्टी अच्छो अच्छो की, क्योंकि मैं भी तो कुछ कम नहीं हूँ, हर कदम पे धरती हिला देती हूँ। और हम कपड़ों में ऐसा फैशन स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे जो क्वालिटी और स्टाइल में सबको पीछे छोड़ देगा। और इन कपड़ों के लिए हम एक्सक्लूसिव शोरूम्स खोलेंगे, ना सिर्फ इंडिया में बट वर्ल्ड वाइड, ताकि हमारे साथ साथ ही हमारे देश की पहचान भी बन जाए। लेकिन जब तक डिटेल्स फाइनलाइज नहीं हो जाती हम ये किसी को बता नहीं सकते। तो वेट क्या करना जी, आपा हुणे शुरू हो जाने। जी, मैं ते पहला ता स्टार्ट हो गया हूं। पंजाबी पूरब पूरब मेहरा। ओ गॉड, हुण तो और भी मजा आएगा, मिलाओ हाथ इस गाते। मालिका, अपने भाई की तरह बातें मत करो। जैसे क्यों नहीं चाहेगी कि डील हो? तुम ये पता क्यों नहीं करते? तुम क्यों नहीं पता करते? क्योंकि वैसे भी जासूसी करने का शौक तो तुम्हें ही है ना, और तुम्हारा जस्सी को बचाना। क्यों? तो अपने हाथ पार मत करो आर्यन। अरमान, अपनी हदें तो तुम पार कर चुके हो। हदें तुम सब पार कर रहे हो, ऐसे हमें पता चलेगा कि डील हमसे किसे छीनी है? पूरब मेरा के अलावा और कौन हो सकता है? पूरब मतलब मेरा शक सही निकला। मतलब? मतलब ये कि जस्सी नहीं। शट अप मालिका, इनफ। आर्यन, जिस दिन मैंने जस्सी को बीच पर देखा था उसी दिन उसी बीच पर तुमने पूरब को भी देखा था, राइट? राइट। तो ये कि इतना बेवकूफ मत बनो अरमान, और ना ही अपनी जस्सी को इतना बेवकूफ समझो। देखो अरमान, हर कोई कुछ ना कुछ छुपाता है, मैं भी छुपाता हूं, तुम भी छुपाते हो, और हो सकता है कि जस्सी भी कुछ छुपा रही हो। मतलब ये कि जस्सी जितनी भोली दिखती है उतनी शायद है नहीं। उस दिन वो बीच पर पूरब से ही मिलने गई हो। तुम दोनों ने जस्सी और पूरब को एक साथ देखा था, ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है। बिजनेस में ऐसे इत्तेफाक अक्सर बहुत महंगे पड़ते हैं अरमान, ये भूलना मत।
अलका, मैं जैसे ही पे पूरा यकीन करता हूँ। और तुम्हारा भाई, उसे तो सिर्फ लोगों के कान भरने में मजा आता है, बस। हाँ हाँ, क्यों नहीं? मेरा भाई तो शैतान है, और तुम्हारी जस्सी, वो बेचारी तो देवी है, जस्सी देवी। Time out, guys, please. हम ब्रोकर को फोन करते हैं, उसे पता करते हैं ये डील किसने की है, ओके? Of course. लेकिन इन्हें ब्रोकर को फोन करने में इंटरेस्ट हो तब तो। हेलो, जैसी का है? कौन बोल रहे? जसमीत वालिया, मैं नंदन वर्मा बोल रहा हूँ, उसका दोस्त। जैसी से बात कराइए प्लीज। जैसी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आए तो कहना मुझे फोन कर लेगी। कहाँ पे? IFH है फिर उस पूरब मेरा क्या? देखिए मिस्टर, जैसी को मालूम है। From your dear friend Purab. अब तो यकीन आ गया अरमान। इससे कुछ भी प्रूव नहीं होता। हाँ, after all इससे कुछ क्यों प्रूव होगा? क्या प्रूव कर रहे हो तुम दोनों? बात हुई ब्रोकर से? नहीं, ब्रोकर से तो बात नहीं हुई, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई, क्योंकि हम जो ढूंढ रहे थे हमें वो वही मिल गया। एनीवेज, फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं ब्रोकर को फोन ही कर देती हूँ। हेलो मनसुख भाई, मालिका सेठ बोल रही हूँ। अच्छा, ओ आई सी, ओके, थैंक यू। क्या मनसुख भाई का कहना है कि जिस कंपनी ने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है वो एक नई कंपनी है जो अभी अभी फैशन इंडस्ट्री में कदम रख रही है। और मजे की बात यह है अरमान कि उनके प्राइस और गुलमोहर की प्राइस में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस था, जैसे उन्हें हमारी प्राइस का अंदाजा हो। सो क्या कहती हो तुम जस्सी? मैम, ये स्टोर्स के बारे में तो किसी को भी नहीं पता था ऑफिस में। हाँ, इस ऑफिस में हम चार के अलावा डिटेल्स कोई नहीं जानता था, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ जैसी। क्या आप मुझसे क्या पूछ रही हैं? मैं ये पूछ रही हूँ कि पूरब मेहरा को हमारी डील्स की डिटेल्स बताकर क्या मिला तुम्हें? बंगला, गाड़ी, पैसा या फिर कुछ और?